ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ੍ਰਹ੍ਮਾਨਿਰ੍ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਜ਼ਨ ਮਰਕਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਏ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਕਾਰੁਲ ਹਸਨ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਜ਼ਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਤਾਰਜ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਬਾਊ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਅਬਦਰਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੋਰੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਰਜ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੁਰਜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਔਰ ਬੁਰਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਆ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਅਬਦਰਹਿਮ ਸਾਹਿਬ मैंने मकई की फसल काश की थी जी, तो चंद दिनों बाद, दिनों के बाद इस पर शूट फ्लाई का अटैक हुआ। मैंने लोकल स्प्रे इस्तेमाल किए उस पर, मगर उसमें बड़ी मज़ा नहीं आया। तो मैंने फिर मिजाज साहब से, वकारुल हसन, वकारुल हसन कंबोज साहब से मशवरा किया कि यार ये मकई पर ये असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने आकर फसल को देखा और मुझे मशवरा दिया कि आप बुरज जो है ये इस्तेमाल करें। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद दो तीन रोज़ बाद फसल जो थी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई और अल्लाह के फजल से अब मकई जो है बड़ी बेहतरीन पोजीशन में खड़ी है। तो मैं तो हर शख्स को यही मशवरा दूंगा कि वो बुरज का स्प्रे जो है शूट फलाई के लिए इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये ज़्यादा देर तक असर रखती है, ये मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है। मैं मिजाज साहब से पूछूंगा कि आम जो स्प्रे हैं वो तो थोड़ी देर के लिए, हफ्ते के लिए, 6-7 दिन तक ख़त्म हो जाती हैं और इसने 15-20 दिन तक जो है इसका रखा है असर, कंट्रोल किया है, ऐसा क्यों हुआ जी? ये मिजाज साहब से रिक्वेस्ट करें जी। बहुत शुक्रिया मास्टर अब्दुर्रहीम साहब। तो ये बुरज जो है ये EW फॉर्म में प्रोडक्ट है, यानी आयल बेस्ड प्रोडक्ट है। आयल बेस्ड होने की वजह से जहाँ पे एक प्रोडक्ट 7 दिन का कंट्रोल रखता है, ये दुगने असर रखेगी, यानी ये 15 दिन के लिए कंट्रोल रखेगी। जैसा कि आपने बताया कि 15 दिन तक उसने कंट्रोल रखा। दूसरा, आप परेशान थे कि जनाब शूट फ्लाई की वजह से मक्की के पत्ते बिल्कुल जी बिल्कुल उसकी खराब हो रही है, खराब हो चुकी जी, कॉम्पल खराब हो। कितने दिनों में आपने देखा कि बेहतर होना शुरू हो? तकरीबन 3-4 रोज बाद जो थे वो ठीक होना शुरू हो। अच्छा मास्टर साहब, ये बताइएगा कि बुर्ज का तो आपने इसको अजमा लिया, इससे पहले भी आप एक प्रोडक्ट गंदम पे इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑर्गेनिक सुपर? हाँ जी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सुपर जो है ये मैंने इस बार गंदम पर इस्तेमाल किया है। और मैंने देखा कि लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमारी गंदम जो है ये सूख चुकी है, आपकी गंदम के पौधे बिल्कुल नालियां हरी हैं और आखिर तक जो दाना है वो मुकम्मल हो चुका है, इसकी क्या वजह है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तारजन के मरकज से, वहाँ मजाज साहब से और वकार साहब से पूछ कर ये ऑर्गेनिक सुपर इस्तेमाल किया और इसमें कोई ऐसी पावर थी, कोई ऐसी ताकत थी जिसने उसको भरपूर तरीके से उसकी गजाइत में इजाफा किया। और आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मैं तवक्को करता हूँ कि मेरी गंदम जो है 70 मान तक माशाल्लाह जाएगी। ज़बरदस्त, मैं पूरी तवक्को रखता हूँ, मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। और बाकी इन दोस्तों की रहनुमाई की वजह से मैं काफ़ी कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। आपके इलाके में धान की काश शुरू होने वाली है जी, तो क्या आप लोगों को, अपने करीबी काश्तकारों को क्या मशवरा देंगे? मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा कि आप तारजन मरकज को जाएं, वहाँ बेहतरीन किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ मराहल में डाले जाते हैं जी, ठीक है? तो आप उनका इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे कि आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छी है जी। बहुत शुक्रिया मास्टर अब्दुर्रहीम साहब। मास्टर अब्दुर्रहीम साहब बता रहे थे कि उन्होंने बुरज का स्प्रे किया मकई की फसल पे और उसके एक स्प्रे से 15 दिन तक का उनको कंट्रोल मिला जी। बहुत दूसरा, उन्होंने गंदम की फसल पे ऑर्गेनिक सुपर का इस्तेमाल किया खादों के साथ बिजाई के वक्त, तो उससे वो कह रहे हैं कि गंदम की फसल का सिट्टा बड़ा सेहतमंद है, नाली मजबूत है और वो तवक्को कर रहे हैं कि उनकी 70 मान प्रति एकड़ पैदावार होगी। जबकि इस इलाके में
इस इलाके में आम पैदावार जो है वो 45 से 50 मन तक है, बल्कि इससे कम भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 70 मन निकलती है तो पिछले साल से इनकी 20 मन की एकड़ पैदावार ज़्यादा होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मशवरा इमानत होता है, अपने करीबी काश्तकारों को भी बताएं कि धान की फसल में बिजाई के वक्त ऑर्गेनिक सुपर लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सर, जी जुड़ा।